हेलो दोस्तों, आज मैं डायरेक्ट गुजरात से आ गया हूँ, राजस्थान भीलवाड़ा के अंदर। और आज सर हमारे साथ है, जो कि आज हमें दो बहुत ही अच्छे और बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के टाइम पर चलने वाले बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल दबा दीजिए और नीचे कमेंट करके आप अपने बारे में या फिर आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो उसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइए। तो हेलो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है और हमारी कंपनी का नाम है सीबी एंटरप्राइजेज, जो की राजस्थान भीलवाड़ा में है। तो आज कौन से मशीन का सेटअप आप हमारे व्यूअर्स को दिखाने सर आज हम दिखाने वाले हैं आपको, जो की बहुत ही बढ़िया चलने वाला बिजनेस है। एक तो होता है अपना बारबेंट, जो कांटेदार बनाने का मशीन होता है उसका, और दूसरा है उसका छोटा भाई जिसको अपन बोलते हैं चेन लिंक मशीन, जो कि गांव में कस्बों में और हर जगह यूज में आने वाला प्रोडक्ट है। ओके, यानी कि ये दोनों मशीन का पूरा सेटअप दिखाया जाएगा। उसी के साथ में सर, जो लोग सर्च करके YouTube से यहाँ पर हमारे वीडियो पर आए उनको तो पता है कि ये मशीन क्या है, बट जो लोग नए हैं हमारे व्यूअर्स उनको पता ही नहीं कि ये मशीन क्या है। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट का यूज कहाँ पर होता है, फिर उसके तुरंत बाद ये दोनों मशीन चला के भी हम डेमो दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये बताओ कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। बिल्कुल सर, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है गाँव में, जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, जो की आवारा पशु होते हैं या नीलगाय वगैरह होते हैं, उनसे अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए इन चीज का यूज किया जाता है। क्योंकि बहुत ही कम कॉस्ट में अच्छी बाउंड्री कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि पक्की बाउंड्री करने की, तो उसमें बहुत खर्चा आता है, सही बात तो है। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है किसान भाइयों के लिए है, तो इससे आप कम बजट में वो जो है अपना खेत को कवर कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी ये मशीन लगनी है वहां पर सेल लगनी है, ये देख लीजिए क्या बात है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉर्डर्स के ऊपर इसका यूज होता है। हाँ। इसके अलावा आज के टाइम पर देखने जाए तो रोड, जब भी हम हाईवे पे जाते हैं तो वहां पर भी साइड में लगाई जाती है, यानी कि देखने जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा, मतलब इसका सबसे ज्यादा यूज होता है कि कहीं पर भी कोई भी पशु है, कुछ भी है, तो उसको आप रोक सकते हैं। यहाँ तक कि इंसानों को भी आप इससे रोक सकते हैं, कि भी आपके कोई ज्यादा बजट नहीं है, कोई बंदा काम स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए आपकी ये चीज का जो प्रोडक्ट है वो बिकने वाला है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, अगर आप भी आज के टाइम पर एक नए और यूनिक बिजनेस आइडिया की तलाश में, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए सर, अभी इसका डेमो करके हम हमारे व्यूअर्स को दिखा देते हैं। जी, तो आइए दोस्तों अपन इसका डेमो करते हैं, इसको चालू करके। सबसे पहले अपने को इस मशीन में जो है पीछे चार बंडल वायर के लगाने हैं, ठीक है। वहां से वायर यहां से अंदर जाएगा, ठीक है, और फिर आगे होके ऑटोमेटिक इसमें प्रोसेस होता जाएगा, ऑटोमेटिक इसमें कांटे बनने करना सारा ये, ओके, और कंप्लीट होके नीचे राउंड में यहाँ पे जो है इकट्ठा होने वाला है। फिर इसको आप निकाल के और ये जो स्टैंड है इसको चेंज कर सकते हैं, और दूसरा रोल बनाने के लिए आपकी मशीन रेडी है। इसमें दोस्तों सबसे आसान प्रोसेस होता है, इसमें आपको एक वायर का बंडल लगाना होता है और एक वायर से सीधा यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपको ये टेबल लगी हुई है, टेबल पे आपको एक बंदा आराम से इसको बना सकता है। जो चेनलिंग मशीन है इसके अंदर 2 HP की मोटर होती है, जो आप सिंगल फेस में या 3 फेस में जो भी आपके पास कनेक्शन अवेलेबल है उससे आप ऑपरेट कर सकते हैं। और बार बेंडिंग वाली जो मशीन है उसके अंदर आपको 5 HP की मोटर होती है, जो कि 3 फेस या सिंगल फेस जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है उससे आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो सर, यहाँ पर हमने देखा कि ये मशीन को चलाना एकदम आसान है, कोई भी चला सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। एक बार सेटअप कर दिया और आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अभी बात कर लेते हैं कि इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डे के हिसाब से कितनी रहती है। बिल्कुल सर, इसमें अपने पास 2 मॉडल है। पहला मॉडल जो है इसको अपन बार बेंड मशीन बोलते हैं, ये आपकी मशीन जो है ये कांटे वाले तार बनाने की मशीन है। अगर इसके प्रोडक्शन की अपन बात करें तो लगभग 600 से 700 केजी पर डे का इसका 8 आवर का प्रोडक्शन होता है। बढ़िया। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये होती है चेन लिंक, इसके अंदर आपकी जाली बनने वाली है। इसकी अगर अपन प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 900 से 1000 केजी पर डे के हिसाब से, ओके, पर डे 8 आवर, पर डे 8 घंटे अगर चलाते हो तो इतना प्रोडक्शन निकल सकता है। और अगर हम बात करें कि सर, यहाँ पर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में रहता है कि मुझे मुनाफा कितना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि जो भी इसका रॉ मटेरियल होता है वो क्या रॉ मटेरियल यूज होता है। इसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो नॉर्मल वायर होता है, जो कि आपको मार्केट में हर जगह अवेलेबल हो जाता है, ये वायर होता है। ओके, इस तरह का वायर यूज जी होता है। इसमें अलग अलग mm का वायर होता है, अलग अलग मोटाई होती है और अलग अलग प्रकार के वायर होते हैं। लेकिन एक अगर अपन सिमिलर बात करें कि नॉर्मली जनरल जो हर जगह चलता है उस वायर की अगर अपन बात करें तो ये अप्रोक्स आपको 65 से 70 रुपए किलो के बीच में आसानी से हर जगह अवेलेबल हो जाता है। ओके, और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो पर केजी कितने हिसाब से सेल होता है? पर केजी अगर इसकी आप होलसेल प्राइस की अगर बात करें तो 77 रुपीज इसकी होलसेल प्राइस है, कम से कम। बाकी आप इसको 80 रुपए, 85, 90
जो आपके कस्टमर की डिमांड या मार्केट में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेल कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देखने जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है। और सबसे प्लस पॉइंट मुझे इस बिजनेस का ये लगा कि इसके लिए एक दो कस्टमर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, कहीं से भी ऑर्डर आता है तो बड़ी क्वांटिटी के अंदर आ सकता है, कस्टमर आपको आके ढूंढेगा। आपको कस्टमर, आपने क्या करा, कोई भी रोड के किनारे या कहीं पे भी अगर आपने मशीन लगा दी तो आपने जहां मशीन लगाई वहां के आसपास के 10 गांवों में पता चल जाएगा कि फलानी चीज की मशीन वहां लगी हुई है, वहां से अपने को प्रोडक्ट जो है अच्छी रेट में मिल जाएगा। ओके, और इसके अलावा बात करें तो आज के टाइम पर जो हार्डवेयर शॉप होती है वहां पर भी जाके सेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो दोस्तों यहां पर आपको सेलिंग की तो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो अभी देर किस बात की है। तो सर कोई भी ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे आपकी कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकता है, क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में बताइए। सर अगर कोई भी कॉन्टेक्ट करना चाहे तो हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं वहां से वो संपर्क कर सकते हैं, हमारी जो पूरी टेक्निकल टीम बैठी हुई है वो उनका पूरा सपोर्ट करेगी। दूसरा ये होता है कि अगर कस्टमर मान लीजिए ऑफलाइन यहाँ आके विजिट करना चाहे तो राजस्थान भीलवाड़ा में हमारा जो फैक्ट्री है ये है, मात्र रेलवे स्टेशन से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो और बस स्टैंड भी पास में ही है, तो यहाँ भी आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि सर उड़ीसा असम बिहार बंगाल बहुत दूर हो जाते हैं, 1000-2500 किलोमीटर। सही बात। तो कस्टमर को डरने की जरूरत नहीं है, कस्टमर वहीं से ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। ओके। जो कोई भी कंपनी फैसिलिटी नहीं देती वो हमारी कंपनी देती है। ओके। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन। क्या बात है, कैश ऑन डिलीवरी में जी। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको कैश ऑन डिलीवरी में मशीन मिलेगी, उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें आपको 20% अमाउंट हमारे करंट अकाउंट में जमा करवाना है, बाकी 80% अमाउंट जब मशीन आपके आसपास जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वहां आके होल्ड हो जाएगा, आप जाके अपनी मशीन देख के संतुष्ट होइए, फिर 80% पेमेंट दीजिए। क्या बात है, तो दोस्तों इतनी बढ़िया फैसिलिटी सर की तरफ से मिल रही है, तो अभी देर किस बात की है, डिस्प्ले के ऊपर जो भी नंबर है वहां पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें, सर की टीम से बात करके ये मशीन आप अपने घर बैठे बैठे भी मंगवा सकते हैं। तो थैंक यू सर इतनी बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे व्यूअर्स के लिए लाने के लिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना। चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के।